एमपी थे, क्या आधार रहा है? तो ये जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि जाति और धर्म के आधार पर हम चर्चाएं तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत पॉलिटिकल पार्टी करती है और उसके पीछे पीछे उन्होंने कहा हमने हिंदुओं को भी टिकट दिया और आप देखिएगा हमारे कितने हिंदू कैंडिडेट जीत गए। ये कह रहे हैं टिकट विनेबिलिटी के आधार पर देती है पार्टी, लेकिन विनेबिलिटी के आधार पर अगर 5 आदमी असदुद्दीन ओवैसी को ऐसे लाने पड़ते हैं जिनके जीतने की संभावना है और वो हिंदू है, तो उनमें से कितने जीत रहे हैं जलील साहब बताइए। नहीं नहीं देखिए मैं आपको एक साफ तरीके से बताना चाहता हूँ कि जो इल्जाम लगाया जाता है, गौरव साहब ने भी लगाया है कि ऐसे मुसलमान इलाकों से खड़े रहते हैं, हैदराबाद का पुराना पुल इलाका जहां से हमारा एक हिंदू भाई राजमोहन जीत कर आया है, उसने हराया किसको है? तो वो कांग्रेस के एक मुस्लिम कैंडिडेट को हरा कर MIM के वहां के जितने भी लोग थे वो MIM के कैंडिडेट को जिताकर लेके आए, तो किसने किसको हराया ये बहुत मायने रखता है। उसी तरह हमारा फलक कुमार डिवीजन से थाराबाई नाम की हमारी एक हिंदू बहन अगर जीत कर आती है तो उसका जिक्र नहीं होता है। आप हमको ये बताते हैं कि आपको मुस्लिम नाम से क्या तकलीफ है, क्या आशुतोष साहब और गौरव भाटिया साहब ये कहेंगे कि नहीं मुस्लिम के साथ शिरोमणि अकाली दल ये नाम भी बदलना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी बहुजनों के बारे में बात उसका भी होना चाहिए। ये सारी तकलीफ मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से क्यों होती है इन लोगों को? मैं आपको बताता हूँ तकलीफ है, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो वकील है गौरव साहब। आशुतोष बता रहे हैं आपको, पहले आशुतोष और संगीत रागी बता रहे हैं फिर गौरव भाटिया बताएंगे, क्योंकि आशुतोष ने जो बात कही उन्होंने सबको लपेटा, अकेले आपका नाम नहीं लिया। मैंने जाति आधारित सवाल पूछा पार्टियों का, उन्होंने कहा कि हाँ इन पर भी लागू होना चाहिए। आशुतोष जवाब देते फिर संगीत जली साहब, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि जब आप एनालिसिस करते हैं तो अपने को जस्टिफाई करने कहते हैं। उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को हरा दिया, आपकी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करती है, आप संविधान की बात करते हैं और ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं हम तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं तो सिटीजनरी की बात करें, नागरिकता की बात करिए, उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? जो भी इस देश का नागरिक है चाहे वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आपके नेता से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने पार्टी के नाम से मुसलमान शब्द हटाएं अगर वो भारत के संविधान में यकीन करते हैं, क्योंकि आप धार्मिक पहचान देकर राजनीति का चुनाव लड़ते हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि इस देश के अंदर 70 सालों से अगर इलेक्शन लड़े जाते हैं टिकट का बंटवारा होता है तो पहले जात देखी जाती है कैंडिडेट की। क्या नहीं नहीं जली साहब, क्या कल अगर भारतीय जनता पार्टी अपने नाम के आगे हिंदू जनता पार्टी कर देगी तो आपको कैसा लगेगा? कल बीजेपी अगर ये कहे कि नहीं अपने पार्टी का नाम बदल के हिंदू जनता पार्टी करेगी तो आपको कैसा लगेगा? मैं कहता हूं अगर आप संविधानवाद की बात करते हैं तो आप सिटीजनशिप की बात करिए, सिटीजनरी की बात करिए, नागरिकता की बात करिए। आप अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि आप सेकुलर हैं तो इस पर हमें आपत्ति है। लेकिन अगर मुस्लिमी नाम से अगर आज हमारे हिंदू भाई हमारे दलित भाई भी जीत कर आ रहे हैं, क्यों करते हैं आप? आप बोलिए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी में क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड, संगीत रागी कुछ कह रहे हैं। देखिए ठीक है, एक सेकंड जलील साहब, देखिए संगीत रागी कुछ कह रहे हैं, जरा इसको भी सुन ले फिर गौरव भाटिया आपके पास और तस्लीम साहब आपके पास भी। देखिए रोहित जी, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं या आशुतोष जी भी बात कर रहे हैं, ये अपेक्षा कर रहे हैं